नमस्कार, मैं सौरभ पाटिल WH न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। अब WH न्यूज दिखाएगी बिहार राज्य की खबरें। आज की खबर है बिहार राज्य से, तो देखते हैं आज की विशेष हेडलाइंस। 10 लाख रुपए की रंगदारी नहीं दी तो गांव के मुखिया के घर पर किया हमला। बिहार के वैशाली जिले के फतेहपुर थाने के अंतर्गत आने वाला मोदा बुजर गांव की मुखिया रेणु देवी के घर पर ही किया हमला। RTI कार्यकर्ता पत्रकार विश्वनाथ यादव ने मांगी 10 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर रेणु देवी के लड़के पर की फायरिंग। बाल बाल बचा रेणु देवी का लड़का। आक्रोशित ग्रामीणों ने बदमाशों की जमके की पिटाई। अब मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा। विश्वनाथ के समर्थन में जमा कार्यकर्ता पहुंचे थाने, केस पीछे लेने की कर रहे हैं मांग। देखिए हमारे बिहार के रिपोर्टर रमेश प्रसाद सिंह की खास रिपोर्ट। क्या दशहरा के दिन जो आपके यहाँ घटना हुआ, प्रशासन आपको कुछ मदद कर रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं कर रहा अभी तक पुलिस नहीं, बाद कुछ नहीं किया प्रशासन तो। उसको एक झापट मारा भी नहीं, एक बंदूक भी मारा भी नहीं, हमको बंदूक से कपार फोड़ दिया झिकाझोली में। हमको कुछ मदद नहीं किया प्रशासन, कुछ भी नहीं कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोचेंगे उसको, हम उसको हाथ में उसको मुजरिम दिया, उसको उसको सजा करे, उसको कैदी करे, बंगे को उसको जेल में ठूसे। दसवीं के दिन आपके घर पर जो मारपीट का चाहे हुआ, इसमें क्या है सच्चाई? सच्चाई जो मेरे साथ 10 लाख रुपया का रंगदारी मंगा किया, उसको नहीं देने के कारण मेरे घर पर इस तरह का हमला किया। मेरे बच्चे को उठा करके किडनैप करके ले जा रहा था, और मेरे पत्नी रुपया है वो उसको दौड़ा छुड़ाने के लिए, तो उसको बंदूक का बट से मारा गया, माथा फोड़ दिए, और मतलब पहले पूरा पति पैसा नहीं दिया क्योंकि सबको जान मार देंगे, और गोली गोली फायर करके, और मतलब बोले जो हाथ। कल मारपीट की घटना सामने जो हुई, उसमें कैसे कैसे हुआ? हम लोग मिला के लिए ध्यान रहे थे, हम लोग बस वहाँ मिला के जा रहे थे, बस स्कॉर्पियो का वाइट कलर स्कॉर्पियो था, उससे आया हम लोग, और हाथ में पिस्तौल उसको लेकर आया। बहुत लोग थे उसमें, बस उनका जो बाइक था, तो हम लोग बस निकले थे मिला के लिए। वो लोग आया और गाड़ी घुमा के एक फायरिंग किया कि हम बच गए, फिर उसने उसको स्प्रे गिराया, फिर बोला बैठो गाड़ी बैठो, फिर हम लोग उसको कैसे कैसे पकड़ के। उससे कौन था वो? वो यहाँ के सिंगार था, लकी थी उसका घर है, वो हम लोग को नौकरी मांगते हैं, हमेशा परेशान करते हैं, पुल से भी परेशान करता रहता है, और उसी से भी बहुत आदमी का हाथ है, उससे सजा की गोली है। तो आपको गोली पर बैठा कर ले जा रहा था? हाँ। कहाँ छोड़े? यहाँ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक बिहार की विशेष खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बिहार के तमाम खबरें देखने के लिए WWW.worldhindinews.in पर भी भेज दें। धन्यवाद।